ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में आप लोगों को क्या उसके अंदर करना चाहिए और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और इसके अंदर स्टॉक ना मुझे अपने इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग लेवल के आसपास दिख रहा है। ट्रैपिंग लेवल की बात करें तो ट्रैपिंग लेवल एक्जैक्टली मैं आप लोगों को अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक्जैक्ट ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों नियर बाय इन लेवल के आसपास 8.5 रुपए के भाव के आसपास का ये पूरा जोन एज एन ट्रैपिंग लेवल एक्ट करेगा। उसके पीछे का रीजन दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने क्या किया था, रिजेक्शन लिया था। सेकंड टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया था, रिजेक्शन लिया था। जैसे ही स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट किया दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है ट्रैपिंग लेवल का मीनिंग, तो हर एक जगह पे जहां पे ट्रैपिंग लेवल आपको दिखती है इधर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, उसके ऊपर आप लोगों को एक स्पाइक और स्टॉप लॉस हंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी। 8 रुपए के आसपास से स्टॉक ने क्या किया दोस्तों, 25 रुपए तक के टारगेट दिखा दिया, मतलब यहाँ से 200% तक की अपर साइड स्टॉक ने दिखा दी। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है ऊपर नीचे कर रहा है और ट्रैप कर रहा है सभी को। अगर आप लोग देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक ने क्या किया है, एग्जैक्टली इन्हीं लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक हायर लो बनाते हुए अपर साइड के हायर आए और हायर लो बनाते हुए अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है। अगर प्रीवियस बिहेवियर की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया था स्टॉक ने, एग्जैक्ट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और नियर बाय 7 रुपए के आसपास से स्टॉक ने कहा तक अपर साइड दिखा दी, 73 मतलब 1000% तक के अपर साइड, 1100% तक के अपर साइड स्टॉक ने वहां से दिखा दी थी। करंट मार्केट प्राइस पे दोस्तों स्टॉक के अंदर मेरा एक अच्छा खासा बुलिश व्यू बन रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक अपर साइड के अंदर दिखा सकता है मूवमेंट। अगर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चैनल निकाल के दिखाऊं दोस्तों, तो ये जो इंपॉर्टेंट वेज पैटर्न है स्टॉक बना रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसी वेज पैटर्न के अंदर ये स्टॉक क्या कर सकता है, कामकाज करते हुए आप लोगों को दिख सकता है। देख सकते हो एग्जैक्ट एक वेज पैटर्न के अंदर स्टॉक क्या कर रहा है कामकाज, और लकीली ये स्टॉक अपने को अपने डाउन साइड जो सपोर्ट एरिया है जहां पे से मैं हमेशा बाइंग करने का प्लान करता हूँ, एग्जैक्ट बॉटम के आसपास बाइंग करने का प्लान करता हूँ दोस्तों। मैं को मल्टीपल रिजेक्शन अगर दिखते हैं और मैं को वहां पे से अगर ट्रैपिंग लेवल को दिखती है जहां पे कंटिन्यू ट्रैपिंग चालू है, तो मैं उसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस के ऊपर तुक्का लगा के एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस टारगेट और हर एक चीज आप लोगों को प्लान करके देता हूँ और खुद भी करता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट करंट मार्केट प्राइस पे मैं इसके अंदर प्लानिंग कर रहा हूँ। छोटा सा स्टॉक है 9 रुपए का, अगर जितना आप लोग लूज कर सकते हो, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो स्टॉप लॉस रहेगा अपना 5.5 रुपए के आसपास अपना इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर छोटा और करूं स्टॉप लॉस तो नियर बाय 6 रुपए के आसपास के इसके अंदर अपन स्टॉप लॉस के बारे में प्लान करेंगे दोस्तों। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस ही मैं प्लान करूंगा, इसमें थोड़ा सा वाइडर रेंज है और टारगेट बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो मैं आप लोगों को इसका बिहेवियर दिखाऊंगा, 200% तक के टारगेट मेरे को एक्जैक्ट इसके अंदर दिखाई दे रहे, देख सकते हो आप लोग। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 40% मतलब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, उतनी क्वांटिटी डालूंगा जिसका 40% अगर मेरा चला गया, जितने कैपिटल का 40% अगर मेरा चला गया, तो मैं मेरा कैपिटल जो है पूरा, अगर मेरा कैपिटल है 10 लाख तो उसका 1% भी ना जाए, इतना मैं कैपिटल उसके अंदर यूज करूंगा। मतलब अगर मैं इसके अंदर 20,000 रुपए डालता हूँ तो मेरा स्टॉक लॉस कितना होगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए, जो मेरे 10 लाख के कैपिटल का कितना होगा अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊं, तो वहां पे अपना कैपिटल का 8,000 रुपीज अगर मेरा लॉस होता है 10 लाख के थ्रू, तो मैं अगर कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊं एग्जैक्ट, तो 8,000 में से अगर मेरे 10 लाख जाते हैं, अगर मेरे 10 लाख इसके अंदर से निकल जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो 0.8% के मेरे एसएल रहने वाला है, मतलब मेरे को कुछ ज्यादा 1% भी मेरे कैपिटल का जाने वाला है। इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करनी है। अगर मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस बिहेवियर दिखाऊं किस तरीके से प्रीवियस बिहेवियर स्टॉक करता है, तो मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस बिहेवियर दिखाता हूँ, इस तरीके से मैंने टारगेट प्लान करे। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो इसने क्या किया था, मल्टीपल टारगेट्स मैं आप लोगों को दूंगा इसके अंदर। फर्स्ट टारगेट की बात करें ना दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट अपना होने वाला है नियर बाय इन लेवल के आसपास, जो एज एन ट्रैपिंग लेवल एक्ट होने वाली है। अब उसके पीछे के रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ इसने प्रीवियसली किस तरीके से बिहेव किया था। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया था, एक यहाँ पे आप लोग देखोगे, सॉरी ये क्या हुआ, ओके यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया था दोस्तों, एक लेवल बनाई थी एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास एक लेवल बनाई थी। एक्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊं तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, एक्जैक्ट ये लेवल के आसपास स्टॉक ने क्या किया था, एक लेवल बनाई। स्टॉक ने जैसे ये जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट किया, लोग क्या सोचेंगे इसके अंदर बाइंग आने वाली है क्योंकि प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट हो गया। दोस्तों आप लोगों को हमेशा स्टॉक के अंदर बाइंग सिर्फ सपोर्ट के आसपास से करनी है और सेलिंग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के आसपास से करनी है। कोई भी अगर ट्रैपिंग का जोन आप लोगों को मिलता है, इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है दोस्तों। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये फेक है, इसने पूरे सर्किट के अंदर काम किया। अगर आप लोगों ने सपोर्ट से, अगर एक्जैक्ट सपोर्ट से बाय नहीं किया, अगर आप लोगों ने सपोर्ट से बाय नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होगा आपके साथ, अपने को अपने साथ क्या करके लेना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ फिर से। अगर आपने को अपने साथ जो भी फायदा करके लेना है, तो अपने को अपने साथ ये करके लेना है ना कि ये, तो आप लोग मेरे वीडियो डेली देख सकते हो इसके लिए। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अपने को प्रीवियस बिहेवियर के हिसाब से वर्क करना है। स्टॉक क्या करेगा फिर से, ये जो प्रीवियस इसने हाई लगाया था दोस्तों, ये आप लोगों को बताऊँ एक्जैक्ट, इसने ये हाई लगाया था, स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा। जैसे ऊपर निकलेगा लोग क्या सोचेंगे, प्रीवियसली इसने हाई का इसका ब्रेकआउट कर दिया है, अब इसके अंदर बाइंग करो। जैसे ही बाइंग करेंगे ना दोस्तों, उनके साथ ये होगा, अपने को क्या करना है, अपने साथ ये करवा के लेना है। समझ रहे हो ना दोस्तों मेरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों ने इसके अंदर, मैं अगर आप लोगों को टारगेट्स प्लान करके दूं किस तरीके से आप लोगों को टारगेट की प्लानिंग करनी है, तो मैं आपको इसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड के साथ टारगेट की प्लानिंग करूंगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अपनी एंट्री प्राइस होने वाली है, और अगर स्टॉप लॉस की बात करें ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है अपना, नियर बाय
इन्हीं लेवल के आसपास के अपने एसएल रहने वाले, और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट वन अपना रहने वाला है नियर बाय इन्हीं लेवल के आसपास, टारगेट वन रहने वाला इन्हीं लेवल के आसपास अपना, और टारगेट टू की बात करें तो एक्जैक्टली ये लेवल के आसपास अपना टारगेट टू रहने वाला है, ओके। और अगर आप लोगों को मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो 1:5 के साथ अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है, 40% के लॉस के साथ 200% के अपर साइड ये स्टॉक के अंदर मुझे दिख रही है। इसी तरीके की प्रीमियम एनालिसिस के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डेली में कुछ वीडियोज लेके आता हूं। अगर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ट्रैपिंग लेवल और हर एक चीज नेकेड चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके आप लोगों को दिखाता हूं। यही सब चीजें सीख देख देख के आप लोग सीख सकते हो और मार्केट को समझ सकते हो किस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज किया जा सकता है, और आप लोगों को सीख सीख के अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो सकता है दोस्तों मेरे चैनल के थ्रू, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ हर एक चीज आप लोगों को, ये जो है ना ये पेड कोर्सेज के अंदर सिखाया जाता है, मैं हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग उसका बेनिफिट लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।